एंजाइटी, फियर, वरी, चिंता, ज़्यादा सोचना, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती है कभी कभी। और कभी कभी जब हम उन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं या बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, वो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं एक छोटी सी टेक्निक बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि शायद आपको आपकी लाइफ में हेल्पफुल रह सकती है, अगर आपको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है या आपको फियर या आपको वरी या ओवर थिंकिंग ये सब चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो शायद ये टेक्निक आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये टेक्निक क्या है, अगर हो सके तो आप इसे छोटे चार डब्बे या डिब्बियाँ जो भी आपको बोलना है अगर ला सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी ला सकते हैं तो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो फर्स्ट डिब्बी है इसके अंदर मैंने लिखा है कंट्रोल, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें एक मैंने वर्ड लिखा है कंट्रोल। तो ये कंट्रोल, इस डिब्बी के अंदर आपको वो सारी चीज़ें डालनी है जो आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में है या आपकी आपकी सोच के अनुसार वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, शायद है या नहीं है वो पता नहीं, लेकिन आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। तो जैसे एग्जांपल दूँ, इस वक्त मैं इस रूम में बैठा हूँ और इस रूम में और कोई भी नहीं है, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, और एयर कॉन चल रहा है, एसी चल रहा है और एसी का रिमोट मेरे हाथ में है, तो मैं इस रिमोट से इस टेम्परेचर को अप डाउन कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन अगर इसी रूम में तीन या चार लोग और बैठे हैं और मैं अगर चाहूँ, मुझे अगर लगता है कि आई कैन कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ दिस रूम, शायद वो नहीं होगा क्योंकि मुझे उन लोगों की परमिशन पूछनी, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं चाहूँगा कि सबको एक सूदिंग टेम्परेचर मिले, तो उस समय मुझे ये लगेगा कि दैट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी सिली एग्जाम्पल। तो क्या क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में हो सकती हैं आइडियली? मुझे लगता है आपकी खुद की खुशी, आपके गम, ये सब आपके कंट्रोल में कुछ हद तक है। मुझे लगता है कि आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, आपका एटीट्यूड, आपका परसेप्शन चीज़ों की तरफ, ये सब आपके कंट्रोल में है। तो ऐसी और भी चीज़ें जो आपको लगती है कि आपके कंट्रोल में हैं वो इस डिब्बी के अंदर आप डाल सकते हैं, पेपर में लिख के इस डिब्बी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड डब्बी के ऊपर, विच इज़ द सेकेंड बॉक्स विच इज़ कॉल्ड एज मैनेज। इसके अंदर आपको वो चीज़ें डालनी है जो आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो, वो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, लेकिन आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा या आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना है, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी चॉइसेस, कभी कभी ट्रैफिक, वेदर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आपको उनके साथ रहना है, उनके साथ ज़िंदगी निकालनी है, तो आपको उनको मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो इस डिब्बे के अंदर आप वो सारी चीज़ें लिख के डालें, एक पेपर के अंदर लिख सकते हैं, उसको फोल्ड करके इसके अंदर डाल सकते हैं कि जो आपको लगता है कि आपको आज की तारीख में मैनेज करना, कर सकते हैं या मैनेज कर रहे हैं, वो इसमें डालना है। फिर हम आते हैं थर्ड बॉक्स और तीसरी डिब्बी के अंदर, और इस डिब्बी का नाम है एक्सेप्ट। इसमें वो सारी चीज़ें डालें जो आपको लगता है कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या एक्सेप्ट कर रहे हो, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जो चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट स्वीकारना पड़ेगा बेसिकली। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आपकी बॉडी, आपकी बॉडी के सारे इम्परफेक्शंस, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका फ्यूचर थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इनरिचिंग हो जाएगा। कुछ कभी कभी हमको लगता है कि हमारे जो सक्सेस हैं, हमारे जो फेलियर्स हैं, वो भी हमको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि जितना आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना करना चालू करेंगे, उतना ही आपके लिए आने वाली जो लाइफ है उसमें थोड़ी सी आपको आसानी मिल जाएगी। सो दोज आर द थिंग्स विच यू नीड टू लर्न टू एक्सेप्ट।
और जो आखिरी जो डिब्बी है उसके अंदर मैंने लिखा है लेट गो, और मे बी इफ यू वांट यू कैन से इग्नोर, इग्नोर से अच्छा वर्ड है लेट गो। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना सीखना है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको लेट गो करना चाहिए? तो मुझे लगता है ग्राउंडलेस फियर्स, मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे डर को आपको थोड़ा सा लेट गो करना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे, लोगों के जजमेंट आपको थोड़ा सा लेट गो करना चाहिए। आपका जो कंटिन्यूस जो वरी वाला जो साइकिल चलता रहता है, वो चीज़ों को आपको थोड़ा सा लेट गो करना चाहिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो ऐसे रिलेशनशिप हैं या जो ऐसे लोग हैं या जो ऐसा खान पीन है जिससे कि आपकी बॉडी आपके माइंड के ऊपर नेगेटिव असर कर रहा है, उन चीज़ों को आपको लेट गो करना चालू करना चाहिए, उन चीज़ों को आपको इग्नोर करना चालू करना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप इस डिब्बी में डालना चाहते हैं? अब ये चारों डिब्बियाँ आपकी लाइफ में रहेगी। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके कंट्रोल की डिब्बी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई है। कभी आपको लगेगा कि नहीं, कंट्रोल की डिब्बी में से उठ के कोई चीज़ें मैनेज वाली डिब्बी में आ गई है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी कि आप कोई चिट्ठी जो आपने कंट्रोल वाले डब्बे में डाला है उसको उठा के आप मैनेज वाले डब्बे में डाल रहे हैं। फिर आपको लगेगा कि हाँ ये मैनेज भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें से निकाल के मुझे एक्सेप्टेंस वाली डब्बी के अंदर डालना है। तो उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करने लग गए। ये जो डब्बी, एक डब्बी में से दूसरे डब्बी में डालने का जो प्रोसेस है वो आपके माइंड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि आप लिटरली एक चीज़ को छोड़ रहे हैं जो आपने आपके कंट्रोल में था, या आपको लगता था वो आपके कंट्रोल में, वो चीज़ को आप लिटरली यहाँ से उठा के दूसरे डिब्बे में डाल रहे हैं। तो आपके माइंड पे एक बहुत बड़ा असर पड़ता है उसका। यू आर ट्राइंग टू चेंज योर परसेप्शन टूवर्ड्स लाइफ। द मोर यू हैव, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर चीज़ें आपकी कंट्रोल में हैं तो आप यूजुअली बहुत एंशियस रहेंगे, क्योंकि हर चीज़ें आप चाहेंगे कि हमारे अनुसार चलनी चाहिए। लोग, ये चीज़ें, ये बिहेवियर, ये इवेंट, ये सारे के सारे मेरे अनुसार चलने चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा एंशियस, फियरफुल, बहुत ज़्यादा वरी के अंदर रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इन इस जर्नी के थ्रू जाएंगे, एक एक डिब्बी में से यू आर ट्राइंग टू शिफ्ट इन टू द नेक्स्ट वन, यू विल सी दैट योर वरीज आर गेटिंग स्लाइटली लेसर एंड लेसर। आपको लगेगा कि आप धीरे धीरे ज़िंदगी को स्वीकार करना चालू कर दिया, जो चीज़ें हो रही है उसके अनुसार आप अपने आप को ढालते चले जा रहे हैं। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और फिर जैसे मैंने बताया, मैनेज से आप एक्सेप्ट वाले उसमें आएंगे, और एक्सेप्ट से जो चीज़ें आपको लगता है कि आप उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, उन चीज़ों को हल्का हल्का लाइफ को धीरे धीरे लेट गो करना चालू जैसे जैसे करने लग जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ एरियाज़ के अंदर आपका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो बस ये चार छोटी सी एक टेक्निक है, ये चार डिब्बियाँ आपके साथ रहे। मैं चाहता हूँ कि अगर अगर आपको ये टेक्निक पसंद है तो आप इन चारों डिब्बियों को अपने सामने रखें, और अगर हो सके तो ये एक्सरसाइज और डेली बेसिस भी कर सकते हैं कि आज मैंने क्या नया किया, आज मैंने क्या चेंज किया। और होपफुली इस जर्नी के थ्रू आप काफ़ी कुछ अपने बारे में जान भी लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें अपने बारे में आप समझ लेंगे, और फिर समझ के शायद आप किसी और को भी समझा पाएंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, और मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ बहुत सुंदर रहे और आप लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करें। थैंक यू। माय नेम इज़ अनीश भारती, आई एम द फाउंडर ऑफ ट्रेन माय ब्रेन। थैंक यू।